नमस्कार एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द ट्रस। सो क्या कहता है न्यूमेरिकल? अ ट्रस इन द डायग्राम इज लोडेड डिटरमाइन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस, है ना। कोई भी ट्रस है उसमें हमको क्या सॉल्व करना होता है, क्या फाइंड आउट करना होता है, उसके जो मेंबर्स हैं उन पर हमको लोड या फोर्सेस फाइंड आउट करने होते हैं। तो ऐसे ही हमको इस वाले ट्रस के लिए भी करना है। ये ट्रस मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये ट्रस है, चाहे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और ट्रस का हमने एक छोटा सा पार्ट बनाया है, ये क्यों बनाया है ये आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, ट्रस सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस, है ना, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल जीरो करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिया है वो ए लिया है, ए के अबाउट हमें सारे फोर्सेज का एल्जेब्रिक सम लेना है, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्सेज कौन कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 20 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, आर ई दिख रहा है ना, ये तीन फोर्सेस दिख रहे हैं, बाकी का आर ए है। तो आर ए तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ए से ही क्रॉस हो रहा है। तो आगे के फोर्सेस पर चलते हैं। मोमेंट इज इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब यहाँ पर आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये जो पेंसिल्स है ये क्वेश्चन में है, जो हमने ब्लैक पेन से किया है वो हम थोड़ा सा आंसर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि साइन कन्वेंशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हम नेगेटिव लेंगे। तो 20 की बात करें तो 20 जो है वो कैसे घूमेगा, ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो हमने इसलिए लिया है पॉजिटिव 20 इंटू 1.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब ये 1.5 जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमको दी नहीं थी, ये हमने फाइंड आउट की है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल ए बी जी आपको दिख रहा है उसका यहाँ पर एक ब्रॉड डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया कि बी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला ये सामने वाले साइड पर ए जी पर, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का हम कह सकते हैं एक्स डैश और ये कह सकते हैं हम एक्स। अब ये हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम साइन थीटा का रिलेशन लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या कह सकते हैं लंबवत कर्ण। तो थीटा के सामने का जो भी साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है ना। तो ये लंब होता है, तो हमने लिखा लंब बटे, और ये फिर नीचे वाला बेस क्या हो गया आपका, ये गिवन ही है आपको, कितना दिया है ये 2 in meters, है ना। तो इतना पार्ट क्या है आपका 2 meters, तो हमने लिखा अपॉन 2। तो L इज इक्वल क्या आ गया आपका? 2 इंटू साइन 30 एंड L इज इक्वल 1 meter, ये आ गया। नाउ हम ये जो छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इस पर काम करेंगे। ये जो ये एंगल क्या है आपका? 60 डिग्री है। यहाँ पर हम लगाते हैं cos 60 का रिलेशन या cos थीटा का रिलेशन। तो cos थीटा इज इक्वल क्या होता है आपका? आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर, आधार क्या होगी आपकी? cos 60 यहाँ पर है, तो इसके सामने का, सामने वाला पार्ट क्या हो गया, ये सामने वाला साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो रिमेनिंग क्या हुआ यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं अपन क्या? हाइपोटेनियस, और इसको कह सकते हैं बेस, है ना, कॉस थीटा के केस में। तो वही हमने लिखा एक्स अपॉन एल और एक्स अपॉन वन, क्योंकि एल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें ये एक्स डैश और एक्स की वैल्यू इस तरीके से हमको फाइंड आउट हो गई, है ना। एक्स इज इक्वल 0.5 आ गया, 2 में से हमने 0.5 माइनस किया, तो रिमेनिंग पार्ट हमारा एक्स डैश निकल आया 1.5। अब ये 1.5 एंड 0.5 को फाइंड आउट करने का क्या मोटो था हमारा, कि हमको ये डिस्टेंस यहाँ पर रखनी थी। क्यों? क्योंकि 20 तो ठीक है, फोर्स तो मिल गया, पर 20 को हम जैसे कि इसके सामने तक ले गए, इसके जो लाइन ऑफ एक्शन है 20 की, ए के सामने तक ले गए, हमने 90 डिग्री के एंगल पे इसको ऐड किया, तो ये डिस्टेंस हमको गिवन नहीं है कि ये कितनी है। हमको ये होल डिस्टेंस दी है, ए से जी तक की डिस्टेंस दी है कितनी, 2, बट हमको इतनी डिस्टेंस नहीं दी है। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप सॉल्व किया है, है ना। अब हमको डिस्टेंस मिल चुकी है 2 इंटू 1.5, तो इसलिए हमने लिखा 1.5 प्लस
नेक्स्ट फोर्स कौन सा देख रहा है आपको, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है या हम कह सकते हैं कैसा क्लॉक वाइज ही जा रहा है, तो प्लस 10 इंटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कितनी हो गई, ये आप लाइन ऑफ एक्शन है और लाइन ऑफ एक्शन को हमने ए से जोड़ा तो कितना मिला हमको 4 इंटू 4 माइनस, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा था या एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है तो माइनस आ गया आर ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 6 = 0। ये इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो आर ई की वैल्यू आई हमारी 11.6 इन पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हम यदि सॉरी ये तो दिया ही हुआ है कि वर्टिकली अपवर्ड है ना, प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं दिया था। ओके तो कोई दिक्कत नहीं, आर ई इज इक्वल 11.66 किलो न्यूटन आया आपका इन पॉजिटिव। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप पर। समीशन ऑफ एफ वी इज इक्वल 0 और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल 0। सो अब वर्टिकल फोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पे, 20, 10, आर ई एंड आर ए है ना, आर ए एंड आर ई जो है वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं तो इनको हम पॉजिटिव लिखेंगे और बाकी 20 एंड 10 नीचे आ रहे हैं तो इनको हम नेगेटिव में लिखेंगे इज इक्वल 0। ये हमने इक्वेशन सॉल्व की, आर ई की वैल्यू पुटअप की यहाँ पे तो आर ई की वैल्यू आई 18.34 किलो न्यूटन। तो ये तो हो गया आपका सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करने वाला काम, ये पेज ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ हमने फाइंड आउट की सपोर्ट रिएक्शंस। अब समीशन ऑफ एफ एच क्यों नहीं लगाए, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, है ना, तो हमको वो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब हमको क्या अप्लाई करना है, नाउ अप्लाई मेथड ऑफ जॉइंट है ना, अब जॉइंट अप्लाई करना है मेथड ऑफ जॉइंट। तो कैसा जॉइंट लेते हैं हम, जहाँ पर दो फोर्सेस अननोन हो, जहाँ पर जिस जॉइंट पर दो फोर्सेस अननोन हो, तो हमने कौन सा जॉइंट उठा लिया, सपोज ए जॉइंट उठा लिया, ए जॉइंट उठाया तो हमने यहाँ पर देखा कि ए जॉइंट से कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं, ये पॉइंट ध्यान से देखिए है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिए कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं, यहाँ से आर ए लगा हुआ है, ए जी लगा हुआ है या एफ ए जी लगा हुआ है और एफ ए बी, तो ए बी और ए जी पर हमको फोर्स नहीं पता, आर ए हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम दो फोर्सेस जो हैं अननोन है, दो से ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए हमने ए जॉइंट सेलेक्ट किया। ए जॉइंट सेलेक्ट किया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, मतलब अकेले ए पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका हमने फ्रीली उनको ड्रॉ किया यहाँ पर। तो ए से लेके ये जी पॉइंट तक आया, ए से लेके ये बी पॉइंट तक हमने ड्रॉ किया। अब हम देख पा रहे हैं कि जो ए वी है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो जितने भी फोर्सेस या मेंबर्स इंक्लाइंड होंगे उनको हम फर्स्टली रिजॉल्व करेंगे एंड देन आफ्टर हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ये इंक्लाइंड है, इसको हमने रिजॉल्व किया, क्या रिजॉल्व हुआ, रिजॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसका साइन क्या है, मतलब नेचर क्या है, टेंशन में है, मतलब टेंशन में है ये कि कंप्रेसिव में है। तो हमने चूज़ किया है, एज्यूम किया है कि ए बी पर जो फोर्स है एफ ए बी, इसका हमने नेचर लिया टेंसाइल। ये आगे क्लियर हो जाएगा कि ये सही है या गलत है साइन से, है ना, यदि पॉजिटिव आया तो सही है, नेगेटिव आया तो रॉन्ग है। तो अपन अभी तो टेंसाइल लेकर सॉल्व करते हैं इसको। इसको रिजॉल्व किया हमने एफ ए बी कॉस 30 में और एफ ए बी साइन 30 में, और जो एफ ए जी था उसको हमने कैसे लिया, उसको भी हमने टेंसाइल लिया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं समेशन ऑफ एफ वी इज इक्वल 0। सो जितने भी वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस थे उनको हम पॉजिटिव लिख लेंगे, एफ ए बी साइन 30 वर्टिकली अपवर्ड है प्लस 18.33 इज इक्वल 0, एफ ए बी की वैल्यू जो है वो माइनस में आई, दैट मीन्स कि हमने जो एज्यूम किया था कि एफ ए बी जो है टेंसाइल या टेंसाइल ना हो के कैसा है, नीचे लिखा हमने एफ ए बी पॉजिटिव में 36.6 किलो न्यूटन इन कंप्रेसिव सी। ठीक है, अब चलते हैं हम समेशन ऑफ एफ एच पर, समेशन ऑफ एफ एच पर चलते हैं। तो जितने भी राइट हैंड साइड जा रहे हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे फोर्सेस, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं उनको नेगेटिव। तो यहाँ पर तो दो फोर्सेस दिख रहे हैं जो दोनों जो हैं वो राइट हैंड साइड पर ही जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों को पॉजिटिव लिखा, एफ ए बी ये एफ ए बी कॉस 30 और प्लस एफ ए जी इज इक्वल 0। ए बी की वैल्यू हमको पता है कितनी आई है, माइनस 36.66, तो हमने लिखा माइनस 36.66 कॉस 30 एंड प्लस 10। ए जी की वैल्यू आपकी 31.75 किलो न्यूटन इन पॉजिटिव। तो हमने जो चूज किया था कि ये टेंसाइल है तो टेंसाइल ही आया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ए बी की वैल्यू मैम ने यहाँ पर सही वाली तो लिख दी थी, वो क्यों नहीं पुट की, वो इसलिए क्योंकि जब हम सेम ज्वाइंट
कर रहे हैं सॉल्व, और उसमें जो भी रियल वैल्यू आती है वही नेक्स्ट टर्म में हम यूज़ करेंगे, नहीं तो आंसर गलत आएगा। यदि हम ये वाली वैल्यू, यदि हमने ये वैल्यू ले ली, इस वैल्यू को लेने का क्या मतलब है कि जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, बट डायग्राम में तो जस्ट अपोजिट नहीं हुआ ना तुरंत, है ना, तुरंत नहीं हुआ। हम जब नेक्स्ट जॉइंट चूज़ करेंगे, है ना, नेक्स्ट जॉइंट जब हम सॉल्व करेंगे तब हम इसका साइन जो है इसको बदल देंगे, ए बी का जो साइन है उसको कंप्रेसिव कर लेंगे, बट अभी तो टेंसाइल है, तो इसलिए हमको जो रियल वैल्यू आई है वही यहाँ पर पुट आउट करनी है, कि पुटअप करनी है 36.66 माइनस में ही लेना है हमको सेम जॉइंट के लिए। नेक्स्ट जॉइंट हम जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, है ना। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने लिया जॉइंट बी, जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जॉइंट बी से क्या क्या कनेक्टेड है। जॉइंट बी ये रहा आपका जॉइंट बी, सी कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड है और ए कनेक्टेड है, तो हमने वही डायग्राम बना लिया है, चाहे तो आप डायग्राम देख सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस हैं उनको हमने रिजॉल्व कर लिया है, जस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सारे इंक्लाइंड दिख रहे हैं मुझे, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। ये एंगल 30 दिया है, ठीक है, तो ये वाला एंगल मतलब आपका जो एफ बी सी है वो इंक्लाइंड है विद अ हॉरिजॉन्टल कितने एंगल से, 30 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि ये 30 इसलिए ये भी 30 होगा, है ना, तो वही हमने रिजॉल्व कर लिया इसको। और नेचर लिया हमने एफ बी सी का क्या, कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव लेकर हमने इसके इसके जो है कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए, ये आ गया आपका एफ बी सी कॉस 30 और वर्टिकल वाला आ गया एफ बी सी साइन 30 कंप्रेसिव नेचर में, ठीक है। एक फोर्स 20 किलो न्यूटन का भी लग रहा है तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हम गए ए बी पर, तो ए बी भी 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो इसको भी हमने रिजॉल्व किया, है ना, ये एफ ए बी कॉस 30। अब देखो क्या नेचर आया था इसका, कंप्रेसिव, तो अब हमने इसको कंप्रेसिव दे दिया है ना, कंप्रेसिव दे दिया है, ये बी को क्या पुश कर रहा है, तो कंप्रेसिव नेचर में अब हो गया, तो हमने इसके कंपोनेंट्स भी डिवाइड किए कंप्रेसिव में, एफ बी जी कॉस 60 एंड एफ ए बी कॉस 30 एंड एफ ए बी साइन 30। अब आते हैं हम यहाँ पर जी पर, जी को भी हमने रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री था तो हॉरिजॉन्टल मेंबर आ गया आपका ये और वर्टिकल मेंबर आ गया आपका ये। बस अब चलते हैं हम ये लगाने, समेशन ऑफ एफ वी दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल 0। सो अपवर्ड फोर्सेज को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड फोर्सेज को नेगेटिव लेना है, वही किया है हमने यहाँ पर एफ, ये माइनस आएगा, है ना, ओके, तो एफ बी जी साइन 60 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो, और ये नीचे की तरफ आ रहा है एफ बी जी साइन 30, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया, माइनस 20। आगे इसको सॉल्व किया हमने तो एक इक्वेशन मिली हमको इस टाइप की, ठीक है, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमने सॉल्व किया समेशन ऑफ एफ एच को लेकर, है ना, जितने भी राइट हैंड साइड जा रहे हैं उनको पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं उनको नेगेटिव, है ना, तो देख रहे हैं आप ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है वी जी तो इसको नेगेटिव में लिया आपने, है ना, ए बी जो है वो राइट जा रहा है तो इसको पॉजिटिव में ही लिया। आगे चलते हैं तो ये भी लेफ्ट जा रहा है तो इसको नेगेटिव लिया, है ना, इसको सॉल्व किया तो यहाँ से भी हमको एक इक्वेशन मिली। हमने उठाया इक्वेशन वाज फर्स्ट एंड सेकंड क्योंकि दोनों में दोनों चीज़ें जो हैं अननोन है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना होगा, तो हमने ये इक्वेशंस उठा ली दोनों साथ में, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, ये रहा एक सेकेंड, इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने डिवाइड किया 0.866 का और टू में हमने डिवाइड किया 0.5 का, तो हमको नई इक्वेशंस मिली थर्ड एंड फोर्थ को आपस में हमने सॉल्व किया, ठीक है, या मैथमेटिक्स में करते हैं इक्वेशन सॉल्व इस तरीके से, है ना, इनके जैसे कि हमको एफ ये इक्वेशन मिली थी हमकी साइन जो है आप भूल जाइए, ये माइनस जो लगे अभी इनको भूल जाइए, ये दोनों इक्वेशन मिली हैं हमको, बट हमको इसको क्रॉस करना है, है ना, क्रॉस करना है एक पार्ट को तभी तो हमें दूसरा पार्ट मिलेगा, तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, है ना, माइनस किया था,
तो एफ वी सी इज इक्वल क्या आ गया आपका 26.6 किलो न्यूटन इन कंप्रेसिव नेचर. दैट मीन्स हमने जो इसका नेचर सेलेक्ट किया था एफ बी सी का जो नेचर कंप्रेसिव सेलेक्ट किया था दैट इज ओके, वो सही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव आया है. अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर. इस इक्वेशन नंबर फोर में हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो हमको रिमेनिंग जो पार्ट है एफ बी जी वो पता चल जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी. आगे चलते हैं ज्वाइंट जी पर. ज्वाइंट जी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस थे उनको हमने रिजॉल्व किया. ठीक है, रिजॉल्व करने के पहले कौन सा टास्क होता है हमारा कि नेचर सेलेक्ट करना है ना, जो आपके मेंबर्स पर जो फोर्स है उनका नेचर सेलेक्ट कर लो, कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, उस हिसाब से फिर आप रिजॉल्व कर लो, क्योंकि रिजोल्यूशन में वही साइन आएंगे. ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनके भी वही साइन होंगे. तो फिर हमने इस टाइप से समेशन ऑफ एफ वी एंड समेशन ऑफ एफ एच लेकर ये सॉल्व किया तो आपका एफ जी सी आया आपका 17.30 किलो न्यूटन, एफ जी एफ आया आपका इतना. आगे अपन ने सॉल्व किया ज्वाइंट ई. ज्वाइंट ई पर भी ये इंक्लाइंड है एफ ई डी, हाँ देख पा रहे हैं आप. ठीक है, तो इसको अपन ने सॉल्व किया समेशन ऑफ एफ वी एंड समेशन ऑफ एफ एच कर कर, तो आपके ये आंसर्स आ गए. अब नेक्स्ट ज्वाइंट, टू ज्वाइंट्स आपके बचे हुए हैं, वो आपका होमवर्क है कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं, है ना. तो नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, सॉल्व फर्दर ज्वाइंट्स योरसेल्फ. यदि कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मेरे से पूछिए. और हाँ, किसी को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस नहीं करना आ रहे हैं तो हम लास्ट में जो है एक लिंक देंगे जिसमें हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ाया है वीडियो में, तो उससे आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करना आ जाएगा, है ना. तब तक के लिए ये आंसर्स हैं मेंबर फोर्स नेचर, तो मेंबर लिखेंगे हम सबसे पहले, फोर्सेस जो हमारे आंसर आए किलो न्यूटन्स में वो लिखेंगे, उनका जो नेचर आया वो लिखेंगे. तो ये टेबल बन गई हमारी, ये आंसर हो गया. सो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ कोई आपको दिक्कत है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.